और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपका संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है। अब ये भी जानकारी दे दूँ कि ये क्वेश्चन पेपर नंबर कौन सा है। और जैसे कि आपकी जुलाई में पात्रता हुई ना रीट के, तो उसमें आपके 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे। तो आपकी जो सेकंड नंबर की शिफ्ट थी ना, तो उसका ये भाषा नंबर, जैसे आपने भाषा फर्स्ट के रूप में कोई भी भाषा ले रखी हो, अगर आपने सेकंड भाषा के रूप में अगर आपने संस्कृत ले रखी है, तो ये वही क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यानी सेकंड भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत चूज की है, ये उन्हीं से संबंधित तो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है जो आपसे पूछा है इस प्रकार। 61 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपकी ये कह रहा है, ससंदर्भ व्याख्या कथाया और सारा देख लेखन लेखन संबंधाच प्रश्न भवन्ति। ये कह रहा है कि आपको किसी संदर्भ युक्त व्याख्या करनी है, या कथा हो सकती है आपकी, या कोई सारांशिक आपको बताना है, वो भी आपको लेखन से संबंधित बताना है। ये किस प्रकार के प्रश्न में आ सकते हैं ये सभी चीज़ें, चाहे किसी चीज़ की व्याख्या कीजिए या आप किसी का सारांश लिखिएगा, वो सभी निबंधात्मक प्रश्न में ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेकंड नंबर है पाठ्यपुस्तकें सचिता सामग्री भवित, यानी जो पाठ्यपुस्तक होता है, यानी पाठ्यपुस्तक का जो हम निर्माण करते हैं, तो उसमें किस प्रकार की सामग्री होनी चाहिए। तो हम कहेंगे छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। इसमें शारीरिक भी दे रखा है, हालांकि इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मानसिक स्तर ही देखते हैं हम, ठीक है। ये कह रहा है कि इसमें बताइएगा जो भाषा शिक्षण के कौशल होते हैं, उसमें से प्रथम कौशल कौन सा होता है। तो हम जानते हैं श्रवण होगा। ये कह रहा है कि प्रश्न यानी प्रश्न उत्तर में अनेक विकल्प दीयन्ते परिचयति ये जो विकल्प जो साधुरतरम चुनौती परिचय प्रकार, यानी आपको मालूम होगा प्रश्न के अनेक विकल्प दिए जाते हैं, या ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो उसे बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न बोलेंगे। ये कह रहा उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्य मस्ती, यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे आपको पहले तो निदानात्मक परीक्षण करना होगा, फिर उसके बाद बालक का परिष्कार या निशिक्षण का मतलब होता है वही उपचारात्मक शिक्षण करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये आपको एक तरह से अपघटित गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ये कह रहा है श्वेत वर्णा इतिहास का समास, तो ये आपका एक अन्य अर्थ निकलता है, तो ये बबरी हो जाएगा। ये कह रहा है कत्व प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यश्चत, यानी आपको इसमें धातु भी बतानी है और प्रत्यय भी बताना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा कृ धातु हो जाएगी, त्वा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मात्रायाम इत्यादि का विभक्ति, इसमें विभक्ति सप्तमी हो जाएगी। उत्पाद यदि इत्यादि उपसर्ग अस्ति, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा। वैसे तो हम उत तो बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ये उद भी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्वासनाथ कुशल कृषक अपि अस्ति, विश्वासनाथ है एक अच्छा कृषक है, एक अच्छा कृषक भी है। ये अपि है ना, ये यहाँ पे एक तरह से अव्यय है, ठीक है, क्योंकि इसे लगाने का वही कारण होता है अव्यय को, यानी ये कह सकते हैं अव्यय संबंधी कोई चीज़ है, जानकारी दी जा रही है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अपि, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यही पूछा था कि अव्यय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये श्लोक दे रखा है और इसमें बताना है सुवर्ण इतिहास का समास, सुवर्ण में कौन सा समास है, यानी अच्छा वर्ण की बात कर रहे हैं। अच्छा वर्ण तो आप है, हालांकि इसमें देखा जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, ठीक है, तो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दृष्ट इत्यत प्रत्यय अस्ति, यानी दृष्ट में कौन सा प्रत्यय होता है, तो आप देखेंगे दृष्ट इसमें हो जाएगा, आपका संबंधित होता है इत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये इसमें छंद बताना है, यानी ये जो श्लोक था ना, इसमें आप वर्ण गिन लीजिएगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये उपजाति, सॉरी उपजाति नहीं, सही उपजाति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शिलासु कृष्णासु न ति ही मृग्या इतस विशेषणम पदम, यानी आप इसको देखिए कृष्णासु है, यही हो जाएगा इसका अव्यय, सॉरी अभी क्यों पूछा, विशेषण पूछा है एडजेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरु का, इसमें से आपको लिंग बताना है, तो मरु, तो वैसे देखा है मरुस्थल होता है मरुमी से, तो ये क्या है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका पुल्लिंग। 73 को संख्या के रूप में करेंगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिसप्तपी, यानी सप्तति, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इसके अलावा आपका नेक्स्ट है 6:10 को आप संस्कृत में किस प्रकार लिखेंगे? हम कहेंगे दशाधिक पश्च वादनम, ये कहेंगे। अरे गलत कर दिया है, ये तो 6 बज रहे हैं, तो दशाधिक हैं पंचवादनम, तो ये तो होगा नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर, यही था आपका 77, यानी आपको ये कहना है दशाधिकम षड्वादनम, 10 अधिक हैं 6 बजने के बाद, तो ये हो सकता है। ठीक है, बाकी ये तो सपात है 7 हो जाएगा, ये 7:30 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे फिर। ठीक है, यानी 77 का बी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 10 अधिक, यानी 10 अधिक हैं षड्वादनम, 10 वो सॉरी 6 बजकर, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट, माहिष सूत्रेषु घस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो मैंने चिन्ह लगा दिया है, एक तो छाती है, ठात थात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं खेल का समय नष्ट नहीं करूंगा, इसमें से आपको संस्कृत अनुवाद करना है, तो आप संस्कृत अनुवाद करेंगे ना, तो इसका हो जाएगा ये कहेंगे कि हम क्रीडत्वा समयम न नक्षयामि, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें बताना है एक राजा है, यानी एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा था, इसका संस्कृत अनुवाद कीजिएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे, तो हम कहें एकदा राजा दिलीप यज्ञ कर्तुम एकदम अस मुमोच, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इचुआसा नाम तालु होता है, ये तो आपके 8-9 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं, तो निश्चित तौर से वो याद होंगे, डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। ईश्वर सर्वान रक्षति, इसमें वाच्य प्रतिवादन करना है आपको, ये भी लट्टे लकार में ही केवल पूछे जाते हैं, ईश्वरेण सर्वे रक्षयन्ते हो जाएगा। मया चंद्र पश्यते, इसमें संशोधित कीजिए, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा ना, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये होगा मया चंद्र दृश्यते, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें से कह रहा है मम न रोचते वाक्यम, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो उसी हिसाब से हमें इसे संशोधित करना होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा मयाम न रोचते ते वाक्यम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, सूक्ति दे रखी है, इसे मेरे स्थान में क्या आएगा? उदार चरिता नाम तो बस फिल इन द ब्लैंक्स कुटुम्बकम, तो इसमें से आ जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से वसुदेव आ जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत, यहाँ से आगे टीसी में थोड़ा आ गया आपकी, ठीक है, जो संस्कृत शिक्षण विधियाँ हैं, हालांकि शुरुआत में भी एक आध क्वेश्चन थे, लेकिन फिर भी देखो ये कह रहा है जो संस्कृत भाषा शिक्षण होता है उसके अनुपात क्रमस्य सिद्धांत अनुसारण प्रारंभिक स्तर प्रधानता, यानी जो अनुपात आपका क्रम में कौन सा सिद्धांत यानी है जो प्रारंभिक स्तर पर प्रधानता रखता है, तो हम कहेंगे इसमें से अगर देखें तो मौखिक रूप से ही ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जो भी संस्कृत से चल विधियाँ होती हैं वो मोस्टली मौखिक पर याद आ जाती होती हैं, क्योंकि उसमें इतना ग्रामर का काम बाद में होता है, लेकिन पहले शुरुआत होती है मौखिक चीज़ों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कह रहा हो या भाषा अध्यापनिया सा स्वाध्याय मिने बोधनिया इतने से भाषा से चरण विद्या अस्थि, यार ओवरऑल कह रहा है ये आपके भाषा से संबंधित अध्ययन किया जाता है और उसी का बोध किया जाता है, यानी ये किस विधि से संबंधित है, तो ओवरऑल देखा जाए ये डायरेक्ट मेथड से ही संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हर्बर्ट पंचपदीय विदो सोपानम अस्थि, इसके 5 स्टेप होते हैं हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली के, जिसमें से एक होता है तुलना। वैदिक परीक्षा पद्धतौ दृश्य साधन प्रयोग कथम वेद, यानी ये कह रहा है कि जो वैदिक परीक्षा होती थी वो सॉरी वैदिक शिक्षा होती थी उसमें पद्धति में जो दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाता था, इसमें बताइए कौन सा हो सकता है, तो आप ऐसा भी ऑप्शन को पढ़ेंगे, हम कहेंगे ताल पत्रेषु विलिखता नाम रेखा चित्रणाम प्रयोग प्रयोग या प्रयोगेण, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप इसका सेंस के आधार पर भी निकाल सकते हैं, जरूरी है आपको हर एक वर्ण का अर्थ आए। ये कह रहा है शैक्षिक भ्रमण संस्कृत शिक्षणम साधनम अस्ति, यानी शैक्षिक भ्रमण में संस्कृत शिक्षण के लिए कौन सा साधनम साधनम अस्ति, ये कौन सा साधन है, तो हम कहेंगे जिसमें आपका क्रियात्मक हो जाएगा, क्रियात्मक और अन्य साधनम आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका कह सकते हैं डी नंबर ऑप्शन हो जाए। हालांकि इसमें दृश्य श्रव्य भी आ जाएगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे बच्चे का शैक्षिक भ्रमण में रोल प्ले हो जाता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं बच्चा खुद करके वहाँ पे सीखता है, यानी हर चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखेगा, उसे अनुभव भी करेगा, मूर्त रूप में भी देखेगा, इस वजह से हम कहते हैं क्रियात्मक अन्य साधन होगा, यानी वो एक्टिविटी आधारित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन 30 पूछे गए थे, हमने ये किए हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो बता देना। ठीक है।